IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। हाथस के कोतवाली जंक्शन क्षेत्र के गांव खोड़ा रती में 35 वर्षीय युवक का शव उसके घर में लटका मिला। संजय खान पुत्र गीतम पिछले काफी दिनों से परेशान चल रहा था। पड़ोसियों के अनुसार पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। पिछले कई दिनों से महिला अपने मायके में थी। अकराबाद थाना क्षेत्र में महिला का मायका है। गुरुवार को वह पत्नी को बुलाने गया लेकिन वह वापस नहीं आई। तभी से इसी बात से परेशान होकर संजय मानसिक रूप से परेशान भी था, लेकिन परिजनों को नहीं पता था कि वह इस तरीके का कदम उठाएगा। शुक्रवार को देर रात अपने घर में फांसी के फंदे से लटक कर संजय। सर क्या मामला था ये जो आदमी ने फांसी लगाई है? देखो, उसको फांसी लगाने का कोई सही कारण तो अभी क्लियर हो नहीं पाए और परिवार में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि जिस वजह से ये गांव वाले लोग भी बताए हैं, ससुराल पक्ष भी आई गया है, उन्होंने भी कोई ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं किया कि किसी प्रकार का कोई मतभेद है। अब ये ससुराल से आया है, घर वालों को पता नहीं है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया। तो पंखा से लटक लगाई? पंखा से रहा था, दूध की चलाने वाली रस्सी है उससे जो है इसने लटक के। क्या नाम है इसका? संजय खान। कितने बच्चे हैं? बच्चे शायद 3 बच्चे हैं, उम्र करीब 35-36 वर्ष है। कहाँ का रहने वाला? थोड़ा रहती। अब क्या कार्रवाई हुई इसमें? कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई पर पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए सब भेजा जा रहा है। मृत्यु के कारण पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो गया। श्री संकट मोचन ITI कॉलेज अडौली हसायन हाथरस, कॉलेज कोड संख्या 2848, ट्रेड फिटर एंड इलेक्ट्रिशियन, प्रबंधक RP शर्मा। जल्द प्रवेश लें। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। GSS Kids English Medium School, near Charmit Gate, Old Durga Mandir, Jalesa Road, Hathras. Near faculties, competent and trained teachers, personality development, yoga classes, splash pool, sand play, art and craft workout, music and dance room, transport facilities, and modern infrastructure, modern architecture, air-conditioned classroom, RO water, hygienic sanitation, CCTV surveillance, play zone for pre and primary section, modern teaching aids, video theater education.